हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एल्गोरिथम डेवलपमेंट की कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम को कैसे डेवलप किया जाता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको दो तीन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी एल्गोरिथम डेवलपमेंट। ठीक, तो पहले चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंप्यूटर मेमोरी में, किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी में अगर हम राइटिंग ऑपरेशन करते हैं, मतलब उसमें हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये एक तरह से कहलाता है डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी मेमोरी लोकेशन पर डाटा, जैसे आपको मालूम है कि ये अगर मेमोरी है आपकी और ये मेमोरी अलग अलग सेल्स में डिवाइडेड रहती है, डिविजन्स में, अब जब हम कोई डाटा स्टोर करते हैं, मान ली सपोज कि डाटा हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं, तो जो डाटा पहले से यहाँ पे होगा इस मेमोरी लोकेशन पे वो लॉस्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और नया डाटा स्टोर हो जाएगा। तो इसीलिए राइटिंग ऑपरेशन को क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। और रीडिंग ऑपरेशन को क्या कहते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि रीडिंग में कोई नुकसान नहीं होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। रीडिंग इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, क्योंकि मान लीजिए कोई डाटा यहाँ पे स्टोर है, अब अगर उसको हम रीड कर रहे हैं तो उस डेटा को तो हम कोई डिस्टरबेंस कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए किसी भी कंप्यूटर मेमोरी में जो राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसको डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन कहते हैं, और जो रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपको समझनी होगी। अब जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने क्या कहा कि फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है ए इक्वल टू बी प्लस सी, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए इनिशियली, सपोज कीजिए इनिशियली ए में ए क्या है? 10 है, बी क्या है? और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इन कंप्यूटर लैंग्वेज दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ये ध्यान रखिएगा। ये इक्वल टू हम लोग की नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला नहीं है, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? इस वैल्यू को असाइन कर देगा ए को। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमने कहा इनिशियली ए 10 है, बी जो है 15 है और सी 6 है। ठीक, अब क्या होगा जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो क्या होगा? बी प्लस सी कितना हुआ? 15 और 6 21, और वो 21 चला आएगा ए में, यानी आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? ए में 21 हो जाएगा और बी और सी में कोई चेंज नहीं होगा, बी में 15 ही रहेगा, सी में 6 ही रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, या हम इसको एक जनरल एग्जाम्पल हम इस तरह भी बना सकते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि एक्स कोई वेरिएबल है और हमने कहा एक्स की न्यू वैल्यू इज इक्वल टू एक्स की ओल्ड वैल्यू, और प्लस हमने कहा कि से कोई वैल्यू से 7, यानी ओल्ड वैल्यू में हम 7 ऐड करेंगे तो हमें एक्स की न्यू वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं, दिस एबनॉर्मल लुकिंग स्टेटमेंट इज वेरी मच नॉर्मल एज फार एज कंप्यूटर मेमोरी इज कंसर्न। तो ये जैसे हम लोगों एक्स बराबर एक्स प्लस 7 अगर हम नॉर्मली देखें इसको, ठीक है, तो ये बड़ा एबनॉर्मल लग रहा है कि भाई एक्स जो है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है। अगर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो वो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक्स में जो वैल्यू है उसमें 7 ऐड कर दीजिए और जो वैल्यू आए उसको नई वैल्यू बना दीजिए इसकी। मतलब कि से हमने कहा फॉर एग्जांपल अगर एक्स में ओल्ड वैल्यू कितनी है, ओल्ड वैल्यू हमने कहा कि से सपोज कीजिए 5 है, तो इसके एग्जीक्यूट होने के बाद एक्स की न्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की न्यू वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 7, मतलब 12। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। तो देखिए, अगर आपको प्रोग्रामिंग या एल्गोरिथम बनानी है तो आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपको एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप
क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आप चाहे जिस भी कंप्यूटर पे काम करें, चाहे जितना पावरफुल कंप्यूटर हो, चाहे जितना हल्का कंप्यूटर हो, चाहे कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता हो, या चाहे कि कुछ 100 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता हो, इतना आप ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर केवल उतना ही काम करेगा जितने जितने काम करने का उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी। इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी वो नहीं करेगा, ठीक है? तो ये एक बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने कहा कि पहले आप बेसिक लॉजिक लॉजिक डेवलप करना सीखिए। तो मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन आपको दिया से कि क्वेश्चन क्या है कि गिवन टू मेमोरी लोकेशन, मान लीजिए आपके पास दो मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है, गिवन टू मेमोरी लोकेशंस, ठीक है, ए एंड बी, ए एंड बी, ये दो मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है। हमें क्या करना है, एक्सचेंज करनी है उनकी वैल्यू, एक्सचेंज द वैल्यूज असाइन टू देम, एक्सचेंज द वैल्यूज असाइन टू देम, मतलब जो जो वैल्यू अभी हम बताते हैं, असाइन टू देम क्या मतलब हुआ इसका, उसका मतलब ये हुआ कि दो हमारे पास मेमोरी लोकेशन है ए और बी, तो जो ए में वैल्यू है उसको बी में कर दीजिए और जो बी में है उसको ए में कर दीजिए, ये हमको करना है। तो अब हमने मान लिया, हमने ये मान लिया कि एक्स सॉरी ए जो मेमोरी लोकेशन है हमारा, उसमें क्या वैल्यू है इस समय, उसमें हमने कहा कि मान लीजिए वैल्यू है 30, बी जो मेमोरी लोकेशन है उसमें वैल्यू है से 45, ठीक है। हमको रिजल्ट क्या चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए ए में 45 और बी में 30, ये चाहिए हमको। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपके पास ये सीन है तो आप एक वेरिएबल यूज करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल, मान लीजिए टेम्प। टेम्प में हम क्या असाइन कर देंगे, ए, यानी ए में जो वैल्यू है वो चली जाएगी किस में, टेम्प वेरिएबल में। यानी क्या हुआ कि इसको करने से टेम्प में क्या आ जाएगा, टेम्प में आ जाएगा 30, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स असाइन या एक्स क्या ए लिख लीजिए। अब ए में हम किसकी वैल्यू डाल देंगे, ए में हम डाल देंगे बी की वैल्यू, मतलब बी की वैल्यू ए में चली जाएगी। बी में कित यानी यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, बी कितना 45, तो ए में आ जाएगा 45, ठीक। अब बी खाली हो गया, अब बी में आप क्या कीजिए, जो वैल्यू आपने टेम्प में स्टोर की थी वो बी में डाल दीजिए, तो बी कितना हो जाएगा 30, और यही रिजल्ट हमको चाहिए था। देखिए ए में 45 चाहिए था, बी में 30 चाहिए था। तो ये तीन स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। तो ये देखिए, ये जो हमने डेवलप किया, ये इस प्रॉब्लम का क्या डेवलप किया, लॉजिक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी लॉजिक लॉजिक हमने डेवलप कर लिया कि भाई इस तरह हम इंटरचेंज कर लेंगे। अब अगर इसकी हम एल्गोरिथम लिखेंगे, ठीक है, यानी दिस लॉजिक कैन बी समराइज्ड, ठीक है, कम समराइज्ड एज द एल्गोरिथम। कैसे, अब इसी इसी भाई लॉजिक तो हो गया ना कि हम काम कैसे करेंगे, लेकिन जब आप एल्गोरिथम की फॉर्म में उसको लिखेंगे तो आपको सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमने एल्गोरिथम के टाइम बताया था कि स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो कैसे लिखेंगे, आपने यहाँ लिखा स्टेप 1, ये हो गया रीड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले हमें ऑफ ए
एंड बी। फिर स्टेप टू में हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू टेम्प में डालेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको सेव द इनिशियल वैल्यू वैल्यू ऑफ ए इन टेम। ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब आ जाइए स्टेप थर्ड में, मूव द इनिशियल वैल्यू ऑफ, मूव द इनिशियल वैल्यू ऑफ बी इन ए इंटू ए, ये हो जाएगा। फिर स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, मूव टेम इंटू बी, ये हो गया। फिर अब काम तो पूरा हो गया, इनकी वैल्यू को डिस्प्ले करा दीजिए, तो आप लिखिए डिस्प्ले द द एक्सचेंज्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये हमने डिस्प्ले करा दिया रिजल्ट, और उसके बाद एल्गोरिथम यहाँ पे एंड हो जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं स्टॉप। ठीक, तो ये हो गया, दिस इज द एल्गोरिथम फॉर द गिवन प्रॉब्लम। पहले हमने लॉजिक डेवलप किया कि हाँ भाई ये काम हम इस तरह करेंगे, और फिर उसको हमने स्टेप वाइज रिप्रेजेंट कर दिया या स्टेप वाइज सॉल्यूशन लिख दिया, तो क्या हुआ ये कि एल्गोरिथम बन गई। ठीक है, अब ये एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेगी वो भी हम आपको बता दें। देखिए अब इसका एग्जीक्यूशन देख लीजिए करना है, अगर अब हमें सेम ही चीज करनी है, मतलब जो दो मेमोरी लोकेशन में वैल्यूज दी हुई है उसको इंटरचेंज करना है, लेकिन अभी क्या करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अभी हम लोग क्या करना है कि हम लोग को सेम ही चीज करनी है, इंटरचेंज द वैल्यूज से, इंटरचेंज द वैल्यूज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन ए एंड बी, लेकिन विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। अब मान लीजिए हमको ये काम करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें इसका लॉजिक डेवलप करना होगा। ठीक है, तो कि यानी ये काम कैसे होगा, तो देखिए ये काम कैसे होगा, सपोज कीजिए हमने कहा कि लेट एक्स एंड वाई ये दो मेमोरी लोकेशन है, और इनमें जो वैल्यूज है आर टू मेमोरी लोकेशंस हैविंग वैल्यूज 30 एंड 45। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि इसको कैसे हम लॉजिक डेवलप करेंगे, या चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली है हमारा एक्स में क्या है, एक्स में है 30, ठीक है, और वाई में क्या है, वाई में है 45। अब मान लीजिए हमने क्या किया, हमने पहला लाइन क्या लिखा, हमने कहा एक्स बराबर एक्स प्लस वाई कर दीजिए, मतलब ऐड होके यहाँ कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पे 45 ही रहेगा। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा वाई को एक्स माइनस वाई कर दीजिए, तो एक्स कितना हो चुका है 75 हो चुका है, 75 में से आप 45 घटाएंगे कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक, और ये 30 है, ये 45 है, इन दो ये आ गया। अब स्टेप हमने क्या लिखा कि एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, वाई बराबर वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो y में आएगा नहीं, हमने x में गलत लिख दिया, इसको y में लिखिए
वाई में आ जाएगा यहाँ पे कितना 30, और ये 75 ही रहेगा क्योंकि एक्स में चेंज नहीं हो रहा है। अब इसके बाद एक्स को हम लिख देंगे एक्स बराबर एक्स माइनस वाई। अब कितना हो जाएगा, 75 में से आप 30 घटाएंगे, ये हो गया 45 और ये हो गया 30। तो देखिए हमारा लॉजिक अब सही है क्योंकि एक्स की वैल्यू वाई में आ गई और वाई की वैल्यू एक्स में आ गई, यानी लॉजिक हमारा सही है। अब लॉजिक तो हमने डेवलप कर लिया, अब इसी को आप अगर आप एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखेंगे, इसी को आप एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो स्टेप वाइज लिखिए। स्टेप वन में हम क्या लिखेंगे, स्टेप वन हो गया रीड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, रीड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। स्टेप टू क्या हो जाएगा, स्टेप टू हो गया एड द कॉन्टेंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड स्टोर इन एक्स, एड द कॉन्टेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड, यानी ये पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट एंड स्टोर इन एक्स। ठीक, स्टेप थ्री में आ जाइए, सब्ट्रैक्ट द कॉन्टेंट्स ऑफ वाई, सब्ट्रैक्ट द कॉन्टेंट्स ऑफ वाई फ्रॉम एक्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन वाई, ये स्टेप हो गया। स्टेप फोर में आ जाइए, अब ये स्टेप भी हो गया। अब ये स्टेप करिए, सब्ट्रैक्ट द कॉन्टेंट्स ऑफ y from x and store in x, ये हो गया। फिर स्टेप फाइव में क्या हो जाएगा, डिस्प्ले द रिजल्ट कह लीजिए या डिस्प्ले द एक्सचेंज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये एक्स हो जाएगा। और स्टेप सिक्स में आप लिख दीजिए स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से आपने दोनों दो एग्जाम्पल में आपने देखा कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो पहले आप क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी उसका लॉजिक डेवलप करेंगे, और जब लॉजिक आपका सही डेवलप हो जाएगा उसके बाद सारे स्टेप्स को शुरुआत से कर लेकर लास्ट तक आप उसको स्टेप वाइज रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जो स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन आएगा किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो आई होप कि आपको एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके आप एल्गोरिथम डेवलप करके प्रैक्टिस करके देखिए। उसमें मेन ये है कि आप ये देखिए कि क्या हमारी प्रॉब्लम है और क्या हमको रिजल्ट चाहिए। ठीक, और जो स्टेप्स हमने एल्गोरिथम में लिखे हैं उसको फॉलो करते हुए वो रिजल्ट हमको मिल रहा है कि नहीं। दिस इज द बेस्ट वे टू एनालाइज योर एल्गोरिथम बाय योर सेल्फ। क्लियर, तो वीडियो कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।